गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में जब इंसान बाहर से आता है या हाई गर्मी करता है तो उस समय याद आता है नींबू पानी, चीनी वाला, नमक वाला या शिकंजी। इसको पंजाब में शिकंजवी भी बोलते हैं और कई जगह पर कई अन्य नाम भी हैं। और ये मेनली जो डिपेंड करता है इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होता है नींबू, नमक और साथ में चीनी। अब इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि जो पानी की मात्रा है वो अगर ठंडी मिल जाए, आपको फ्रिज का पानी पीने की बहुत चाह होती है तो क्या ही कहने। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आज बता रही हूँ आपको सिकंजी के फायदे। अभी सिकंजवी बोलने की आदत है मुझे, तो चलिए सिकंजवी के फायदे बता रही हूँ कि पी जाते हैं हम आते जाते। गोली वाली बोतल अमृतसर में, पंजाब में बिकती थी, मैं वहां रहती थी और साथ साथ में कई जगहों पर जहां जाते थे चक्कर आया, घबराहट हुई, बेचैनी हुई, एसिडिटी हुई, इनको नींबू पानी दे दो। तो नींबू पानी 100 बीमारियों का एक इलाज होता है। इसके फायदे चलिए बताती हूँ मैं कामिनी खन्ना, YouTube/कमाना खाना से आप सबको नमस्कार करते हुए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि सब्सक्राइब कर दो मेरा ये चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप ऊपर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक कर दोगे तो मेरे चैनल की ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंचेंगी। कम से कम 250 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जो देख के आपको कुकिंग के और जानकारियों के आपको मजा भी आएगा, जानकारियां भी मिलेंगी, कुकिंग भी सीखने को मिलेगी। देर ना लगाते हुए शुरू करते हुए सिकंजी के फायदे। सिकंजवी यानी कि नींबू पानी, शक्कर, नमक का बहुत से लोग इसमें बहुत सारा नाटक करते हैं और मैं भी ये नाटक करके दिखाऊंगी आपको कि और क्या क्या डाला जा सकता है। इसमें काली मिर्ची डाल देते हैं, इसमें जीरा धनिया पाउडर डाल देते हैं, जैसे जल जीरा डाल देते हैं, इसके अंदर पुदीना डाल देते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं, जो आपका मन करे आप इसमें डाल सकते हैं और पी सकते हैं। चाट मसाला डाल सकते हैं, इसको टेस्टी टेस्टी बना सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं। फायदा क्या है पहले ये तो जान लीजिए, सुबह शाम आप पी रहे थे, फायदा क्या ये नहीं जाना, और नुकसान भी इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी तो सुनना बहुत जरूरी है। नींबू, बेसिकली नींबू की बात करो तो खट्टा और जबान खट्टे, दांत खट्टे हो जाते हैं, और नींबू जो है विटामिन सी से भरपूर होता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर हुआ तो सीधी सीधी बात के कहा जाता है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है विटामिन सी, और इम्यूनिटी बूस्टर होती है। तो जैसे ही हम जैसे कोरोना काल में भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए नींबू पानी का प्रयोग कर रहे थे, वैसे भी आप कई सारी बीमारियों से और बच सकते हो, वो भी बताती हूँ। सबसे पहले हमने जाना विटामिन सी का स्रोत है नींबू पानी। अब दूसरी बात हमने उसके आगे हम बढ़ते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर है नींबू पानी। तीसरी बात यह है कि एसिडिटी से बचाता है नींबू पानी। अगर गले में आपके बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो और एसिडिटी ऊपर चढ़ रही हो तो थोड़ा नींबू पानी पी लो तो वो सेटल हो जाता है, नीचे चला जाता है, काट के उस चीज को और सेटल कर देती है एसिडिटी को नींबू पानी या सिकंजी। अब आगे हम इसके आगे कितने फायदे हैं मैं बताऊं तो आपको पतला करने में बहुत फायदे होते हैं। गर्मी होती है ना, बहुत ज्यादा चीनी मत डालिए, नहीं तो कोई पतले नहीं होने वाले, आप ये गलत फहमी मत पालिएगा। लेकिन अगर आपने नींबू पानी खा ले पिया, उसको दवाई की तरह थोड़ी सी चीनी डाल के, नमक डाल के, तो आपका वजन निश्चित रूप से घटाएगा ही। वैसे भी कहा जाता है कि सिकंजी ही नहीं, सुबह नींबू पानी निचोड़ के सिकंजी की तरह और उसमें एक चम्मच शहद डाल के उसको गर्म करके भी पी लो। मतलब सिकंजी तो ठंडी होती है लेकिन नींबू पानी शहद डाल के पी लो, चीनी डाल के पी लो, तो इससे वजन घट जाता है आपका। अब चौथी या नहीं चौथी पांचवी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को बीपी लो हो जाए, चक्कर आ रहे हैं और ऐसे ड्रेन्ड आउट लग रहा है, किसी को फटीग हो गया, तो उस फटीग से निजात दिलाने के लिए 2 चम्मच चीनी फटाफट घोलते हैं, उसमें आधा नींबू फटाफट निचोड़ते हैं और नमक डालते हैं और उसको नींबू पानी पिला देते हैं। तो नींबू पानी पिलाने से एकदम आंखें तर्र हो जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं और इंसान को होश आ जाता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि नींबू का आपके धमनियों पर हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, आपके बॉडी में जो धमनियां हैं, वेन्स हैं,
वो खुलती है। नींबू पेट में जाके आपकी डाइजेशन पावर को अच्छा करता है। नींबू जो है आपके आंखों के लिए विटामिन सी, आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी के कई सारे काम है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फिर नींबू जो है ये बहुत जल्दी क्या कहते हैं आपको होश में लाता है। अब कई बार कहा जाता है ना कि तंत्र मंत्र किया हुआ है तो इसके ऊपर से नींबू मार के फेंक दो, इसी तरह जो सिकंजवी है वो तंत्र मंत्र के भी काम आती है। बड़ी मजेदार बात बताऊं कि मुझे किसी ने कहा था और मुझे याद भी है कि ऐसा लगता है किसी ने तंत्र मंत्र किया है तो एक नींबू निचोड़ के सिकंजवी पी जाओ। अब ये हंसने की बात तो है लेकिन ये एक अच्छा उपाय है। आप नींबू वार के नींबू फेंक दोगे उससे अच्छा नींबू निचोड़ के पी जाओ तो मन ठहर जाएगा, घबरा रहा होगा भाई किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है और बेचैनी है, घबराहट है, नजर लग गई है। ओके, नींबू डाल के पी जाओ, नींबू डाल के पी जाओ, सिकंजी पी जाओ तो इससे आपका मन जो है घबराने से ठहर जाएगा। अब ये तो मैंने बताया आपको नींबू के फायदे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ उस वीडियो का जिसमें मैंने नींबू के फायदे बहुत सारे बताए हैं, वो आप जरूर देखिए। और साथ साथ मैं आपको सिकंजी बना के भी सिखाऊंगी और मैं भी कुछ अच्छी सी नाटक वाली सिकंजी आपको बना के तुरंत से सिखाऊंगी। गर्मियां हैं और क्या कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सिकंजी कमाना खाना में क्यों ना बने, तो वो भी आपके सामने वीडियो आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं नींबू का नुकसान भी बता रही हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बहुत ही गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, ओके, आप गर्मी से आए, आपने आते से ठंडा ठंडा सिकंजी पी लिया, हो सकता है आपका गला जो है वो कई लोगों को सूट नहीं करता, खट्टा नींबू और ठंडा पानी और सिकंजी, और उससे गला दुखना शुरू हो जाता है, सर्दी जुकाम आपको हो जाता है उल्टा, बजाय इसके कि विटामिन सी जो है सर्दी जुकाम से बचाता है, ऐसे कहते हैं डॉक्टर्स और सभी विज्ञान जो है हमारा डॉक्टरी कहती है। लेकिन किसी किसी को नींबू से एलर्जी होती है और नींबू जो है वो सिकंजी पीने के बाद आपका गला पकड़ लेता है और गला दुखने लगता है। तो जिनको एलर्जी है वो सिकंजी ना पिए भले उसके कितने भी फायदे हों, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, शक्कर और नमक घोल के भले पुदीना डालें, भले जलजीरा डालें और पी जाएं, तो वो भी आपको अच्छा काम करेगा। दूसरा नुकसान बताती हूँ आपको, जिन लोगों को अर्थराइटस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप्टिक्स है, हड्डियों की दर्दें हैं, बॉडी में पेन है, चोट है, कोई ऐसी हड्डियां दर्द कर रही हैं, तो आपको नींबू खट्टा नहीं पीना चाहिए। अगर आपने सिकंजी पिया ऐसे हालत में कि चलता है जी पी लो जी, जैसे सब पंजाबियों की आदत होती है, तो ये पी लो जी वाला जो हिसाब है ना, इसके बाद आपकी बॉडी अकड़ जाएगी और फिर उंगलियां अकड़ती हैं अर्थराइटिस में, पैर अकड़ते हैं, टेढ़ी हो जाती हैं उंगलियां। तो प्लीज 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 आप सिकंजी ना पीजिए अगर आपको अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह है या हड्डियों की कोई समस्या है तो आप ना पिए। इसके अगली बात जो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, सिकंजवी जो है ज्यादा पीने से पूरी बॉडी की हड्डियों में आपको दर्द हो सकती है। तो कोई भी चीज अति नहीं करनी चाहिए, एक ग्लास पिया, दो ग्लास पिया, एक सुबह पिया, एक शाम को पिया, एक दोपहर को पी लिया, बस इससे ज्यादा आपने एसिडिक होता है नींबू और शक्कर इतनी घुली हुई, डायबिटीज भी हो सकती है आपको, आपने ज्यादा पी लिया इतना नींबू पानी पिया। अरे गर्मी है 10-15 ग्लास नींबू पानी पी जाओ, क्या होगा, एक तो बॉडी में दर्दें हो जाएंगी, दूसरा डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा, इतनी चीनी पी डालेंगे आप, और तीसरा बहुत ज्यादा नमक पियेंगे उसमें डाल के घोल के, तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हार्ट के लिए भी खराब है। तो फायदा होने के लिए जगह नुकसान हो जाएगा। कोई भी काम करिए उसको अति मत करिए। सिकंजी बहुत अच्छी चीज है जिन लोगों को सूट करती है, लेकिन उन लोगों को सिकंजी जो है संभल के पीनी चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए, उसके नुकसान को ध्यान में रख के। मैं कामिनी खन्ना YouTube/कमाना खन्ना से आपको नई नई जानकारियां देती रहती हूँ। कैसी लगी ये जानकारी, आपको तो पता है सिकंजी सदियों से पी रहे हैं, लेकिन ये वाली जानकारी आपको अगर पता नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको क्या अनुभव है नींबू का, और ये भी लिखिए, ये भी बताइए कि आप नींबू पानी कितना पीते हो और कितना अच्छा लगता है आपको नींबू पानी सिकंजी सिकंजी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।